हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बहुत बुरे मूड के साथ बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरे मूड के साथ बना रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ चैनल पे जो आप लोग देखे उसको। इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग जब सब्सक्राइब बटन दबाते हो देखना नहीं जानते हो, देखते नहीं हो वीडियोस। इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पता है कि हम यूट्यूबर्स जब वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिसर्च करना पड़ता है। कहने को मेरे चैनल पे 37,000 प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग 100 लोग भी नहीं देखते हो। क्यों ऐसा? ऐसे क्या एक यूट्यूबर को मन करेगा वीडियोस अपलोड करने का? आप ऑडियंस हो, आप लोग सोचते हो कि मैं जो बोलूँ वो वीडियो ये लोग बनाए, मेरे क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर दे। इनकी कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं पूछूँ और वो आंसर दे। लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि आपके इस बिहेवियर से हम यूट्यूबर्स को कितनी तकलीफें होती होंगी। बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं पिछले अक्टूबर महीने से बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने 2.5 साल पहले चैनल ओपन किया था। 2.5 सालों में मैंने ऑलमोस्ट 300+ मैंने वीडियोस बना ली है, 300+। अभी तक मेरा चैनल कहाँ पे कहाँ चला जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे सब्सक्राइबर मिले हैं जो मेरे प्रति लॉयल नहीं हैं। या तो वो प्रेगनेंसी PCOD के मैटर से आते हैं मेरे चैनल पे, और या तो फिर वो गिव अवे के मैटर से आते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर होते तो आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहते हैं। मुझे, मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, उनके सब्सक्राइबर उनसे इतने कनेक्ट रहते हैं, इतने इतने उनके साथ टच रहते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस ऐसे जान रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर ऐसे क्यों नहीं हैं? आखिर मेरी मेहनत में कहाँ कमी है? मैं ऐसा क्या कम कर रही हूँ? क्या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? क्या आप लोगों को वैसी वीडियोज़ नहीं दे रही हूँ जिससे आपको हेल्प हो? क्या मेरे चैनल पर सिर्फ प्रेगनेंसी PCOD यही सारी वीडियोज़ हैं और कोई वीडियोज़ नहीं है? मुझे आप लोग बताइए, मुझे मेरी क्या कमी है, मैंने कहाँ कमी कर रखी है। हाँ, अगर अगर आपको गुड लुकिंग, लुक्स मैटर करता है, काम मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर करता है, तो शायद मैं दूसरे यूट्यूबर इतनी गुड लुक्स नहीं हूँ, शायद क्या नहीं हूँ। मैं नहीं मानती कि मैं बहुत हूर की परी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं अपने काम में मेहनत बहुत करती हूँ, और जब मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ ये बताओ, और आप लोगों को इंस्टेंट आंसर चाहिए कि मुझे भाई आंसर दो। मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर शेयर भी तो करते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे जब मैं शेयर करती हूँ तो कुछ लोग इस तरीके से बात करते हैं कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये सब वीडियो मत भेजो। और क्या, एक मैडम ने तो ये भी बोला था कि ये क्या PCOD के ऊपर वीडियो है, मुझे ये सब वीडियो मत भेजो, मुझे PCOD के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बताइए। इस तरीके से फिर भी एक यूट्यूबर हूँ, सोचती है चलो ऑडियंस की, मतलब आप लोगों को दिक्कत है, तकलीफ है, आप लोग एक उम्मीद से आते हो तो मैं वो उम्मीद पूरा करती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो मेरे साथ? कुछ लोग तो ऐसे भी है जो बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बात करते हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हो तो वो भी अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ कि जिनको नहीं देखना है मेरे वीडियोज़ वन अनसब्सक्राइब करके चले जाए। मैं अभी भी बोलती हूँ ये फालतू के 37,000 सब्सक्राइबर क्यों है मेरे चैनल पर, चले जाओ भाई, मुझे नहीं देखना है तो आप लोग चले जा सकते हो, जाओ अनसब्सक्राइब करो, चले जाओ। फिर बेकार की भीड़ क्यों लगा रखी है, एक उम्मीद क्यों जगा रखी है? इतना मेहनत करती हूँ और मुझे उसका अगर फल ना मिले तो मैं क्यों आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ? अब यही होगा चैनल पे कि मैं वही वीडियो बनाऊँगी जो मुझे वीडियो बनाना है। आप लोग देखो ना देखो, कम से कम मन में ये दुख तो नहीं होगा कि मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ने ये चीज़ बोला है ये करने के लिए, तब मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आपको पता है एक छोटे से बच्चे के साथ कितना मुझे रिसर्च करना पड़ता है, कितनी चीज़ें बतानी पड़ती है, कितनी चीज़ें देखनी पड़ती है, कैसे कैसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, और तब जाके मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा मिले। ये नहीं बोलूँगी कि मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, लेकिन आजकल यूट्यूब उस पर भी मेहरबान नहीं है,
मैं तो वीडियो अपलोड करती हूँ और मेरा डिमोनेटाइज कर देता है, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करती हूँ। पता है आपको, मोस्टली मेरे वीडियोस को डिमोनेटाइज कर देता है यूट्यूब। अभी भी जो मैंने कल पीरियड के लिए जो फिक्स योर पीरियड कैंपेन का जो दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको भी डिमोनेटाइज कर रखा है। फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो कभी तो सब्सक्राइबर मेरे जेन्युइन होंगे। फालतू के रोज के 500 700 सब्सक्राइबर मेरे गेन हो रहे हैं, 200 500 700 ऐसे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, लेकिन वीडियोस डालती हूँ तो उस सब्सक्राइबर को पता नहीं क्या हो जाता है, वो देखते ही नहीं है। आप लोगों के ही कहने से मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू की, ब्लॉगिंग के लिए अलग चैनल बनाया, लेकिन वहां पे मुझे 100 सब्सक्राइबर नहीं मिले। क्यों? मेरे 37,000 सब्सक्राइबर किस काम के हैं, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है ब्लॉग चैनल पे। ऐसे कैसे काम करने की किसी की इच्छा करेगी, आप बताओ? किसी की भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी। मुझे कभी कभी ये भी फील होता है ना कि मेरे चैनल पे इसलिए लोग नहीं आते क्योंकि ये चैनल साफ सुथरा है, इस पर कोई गाली गलौज नहीं होता है, किसी को अपशब्द नहीं बोले जाते हैं, किसी के लिए वल्गर कमेंट नहीं किए जाते। मैं अपने चैनल को बहुत साफ सुथरे तरीके से रन कर रही हूँ, शायद इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। शायद मैं भी गाली गलौज करती, उल्टी पुल्टी बात बोलती तो शायद आप लोगों को अच्छा लगता देखने में, है ना? बट ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी किसी भी दूसरे यूट्यूबर के लिए मैं कभी भी बुरा नहीं बोलूंगी। मैं दूसरे यूट्यूबर का नाम ही नहीं लूंगी अपने चैनल पे, किसी भी यूट्यूबर के थ्रू नहीं आगे जाऊंगी। अगर ये मेंटालिटी करके मुझे चलना होता ना, तो 2.5 साल पुराना मेरा चैनल है, अभी तक ये मैं कहाँ पर होती मुझे भी पता नहीं। मैंने कभी भी ये सब में किसी भी YouTube कंट्रोवर्सी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि हाँ YouTube कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई भी, सबको अपना अपना इच्छा है बोलने का, अपना हक है बोलने का, कोई भी बोल सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है ना, मैं क्यों नहीं करती ये सब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज मेरा बच्चा है, मैं बाकी सबको छोड़ दूँ, आज मेरा बच्चा है, 2 साल बाद 3 साल बाद जब थोड़ा समझदार होगा, उसको पता चलेगा मम्मी यूट्यूब पर काम करती है, तो वो मेरे वीडियोस देखेगा और उसके मन पे कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी माँ ऐसा बैड लैंग्वेज यूज करती है, गलत लैंग्वेज यूज करती है। इसलिए मैं ये सब दूसरी चीज है, मुझे ना बैड लैंग्वेज यूज करना भी नहीं आता। मेरे किसी भी वीडियो में मेरे को बैड लैंग्वेज बोलते हुए नहीं देखे होंगे। मैं कभी भी अपने शब्दों को समझ के बोलती हूँ, इंसान हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सामने वाला भी इंसान है। लेकिन आप जो सब्सक्राइबर हो, आप लोग मेरे प्रति लॉयल मत होना। सिर्फ आपको मुझसे उम्मीदें होनी चाहिए, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ 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 अगर वीडियो नहीं देखना है अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो। मेरा इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो कर रखा है उसको अनफॉलो करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोवर नहीं चाहिए जिसको सिर्फ अपना काम मुझसे याद हो, जिसको सिर्फ अपना काम मुझसे करवाना हो और मेरे बारे में नहीं सोचना हो। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे सब्सक्राइबर किस काम के हैं। फालतू की भीड़ कर रखी है, आपका भी एक सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो रखा है, मत सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर कोई आपके काम का है तो वीडियो देखो और निकलो, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं अपने सारे PCOS प्रेगनेंसी वाले सारे जो वीडियोस है या तो डिलीट मारूँ या हाइड करूँ, यही मैं सोच रही हूँ। यार इंसान हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती थी, अरे देखो कोई मेरा लॉयल, मुझे एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं मिला है जो लॉयल हो, लॉयल सब्सक्राइबर एक भी नहीं मिला है। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है ना कि मैं या तो चैनल भी अपना बंद कर दूँ और मैं अगर करना भी है तो फिर से स्टार्ट करूँ, अपने ब्लॉग चैनल को आगे बढ़ाऊँ, ताकि वहाँ पे जो सब्सक्राइबर होंगे वो तो जेन्युइन होंगे, इस चैनल जैसा तो हाल नहीं होगा उसका। इतना मेहनत कर रही हूँ यार, आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता? ये फाइनल है कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, चाहे वो PCOD हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, इन सब टॉपिक पर बात नहीं करूँगी अभी भी। अब मुझे ये भी एक चीज़ें समझ में आती है कि दूसरे यूट्यूबर्स अपने लोगों को कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसीलिए है कि अगर जो यूट्यूबर कमेंट का रिप्लाई ज़्यादा करने लगते हैं डीपली घुस के, उन रिप्लाई के बाद उनको क्या मिलता है, लोग उन पर प्रेशर बिल्डअप करना सोचते हैं, मतलब हावी होने लगते हैं, जो कि मेरे ऊपर सब हो रखे हैं, आप सभी हो रखे हो हावी।
आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं होल नाइट जाग जाग कर आप लोगों को इंस्टा पे रिप्लाई करती थी। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका काम कंप्लीट हुआ और वो ऐसे फुर हुए जो वापस नहीं आए। ये मुझे दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि मैं फिर से शुरू करूँ, फिर से सब स्टार्ट करूँ। लोग मुझे देखेंगे देखेंगे, नहीं, मेरा कोई एक सब्सक्राइबर भी जेन्युइन नहीं है। मुझे ऐसा फील होने लगा है, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग जेन्युइन नहीं हो। मैं यूट्यूब पे काम करना तो बंद नहीं करूंगी, लेकिन आज से आप लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दी हूँ। ठीक है, डिसलाइक मारो मत देखो, ठीक है, कम से कम उम्मीद नहीं करूंगी ना, तो दर्द भी नहीं होगा। आज से उम्मीद करना बंद, और बस यही बोलूंगी, उम्मीद करना बंद कर दिया आप सभी से, और कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोगों को जो करना है करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं देखने हैं तो प्लीज डोंट सब्सक्राइब मी, डोंट फॉलो मी। और अगर मेरा वीडियो भूल चुक के आ भी जाता है आपके सामने ना, तो उसको अनसब्सक्राइब कर, मतलब नॉट इंटरेस्टेड करके आगे निकल लो। बस मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। मैं बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि लोग मुझे, मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो ये चीज़ें, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, और मैं अपने आप को टॉर्चर कर रही हूँ ये सब चीज़ें करके। तो आज से यही है, फाइनली मैं कोई आप लोगों से कोई उम्मीदें नहीं, नो, अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों को वैसे वीडियोस देखने हैं जिनमें कंट्रोवर्सी जुड़ी हो, एक दूसरे को गाली गलौज लोग करते हो, यही सब वीडियो आप लोगों को देखनी है, तो प्लीज़ वही देखिए। इस चैनल पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है, भीड़ मत बढ़ाओ। मैंने पहले भी बोला कि अगर जेन्युइन सब्सक्राइबर मुझे 100 भी मिले तो वो मेरे लिए बहुत है। अगर वो भी नहीं है मेरे पास, तो प्लीज़ 0 सब्सक्राइबर हो जाए तो ही अच्छा है मेरा। चलिए, इतना ही बोलना था, और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं आप लोग मुझे देखोगे या नहीं, लेकिन हाँ, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी।